आइए आत्मा शिवहर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप काले धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हैदर अली खान की राय से रूबरू कराते हैं। अभी हम लोग मीनापुर बलहा पंचायत में और मीनापुर बलहा ग्राम भी हुआ पिपराही प्रखंड के अंतर्गत हम लोग काला धान के ऊपर किसान पाठशाला चलाए हैं और काला धान प्रखंड में और जिला में भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जो इनोवेटिव जो उसके इच्छुक थे आवेदन लेके हम लोग निःशुल्क काला धान का बीज उपलब्ध कराए और उपलब्ध कराने के बाद में अपने देख रेख में उसको अपन देखे समय समय पर क्या कमी है नहीं है और बगैर खाद का कोई फर्टिलाइजर नहीं दिए और जहाँ किसान पाठशाला अभी यहाँ पे जो चला है इसमें इनके पास स्वयं का बर्मी कंपोस्ट अपना बनाते हैं तो ये बर्मी कंपोस्ट दिए हैं। कहीं कहीं किसान अपना जो हरा खाद है जो मूंग का और ढाइचा का उसको अपने खेत में पलट दिए हरा खाद के रूप में इस्तेमाल किए और बहुत जगह किसान हैं कि अपना एकदम खाद नहीं दिए ऐसे ही अपना उपज किए। तो यहाँ जो किसान पाठशाला चला है 25 किसान हैं और मनोज कुमार सिंह के इसमें संचालन में चला है और बाकी 25 किसान है 25 किसान को खेतों पर ले जाके दिखाया गया समय समय पे 6 क्लास चला 6 क्लास में आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर और बीज डालने से लेकर 23 जून को बीज गिराया गया था उसके बाद में 18 से 20 दिन की जब हुआ 18 से 20 दिन बीज तो रोपाई हुआ और रोपाई जो नॉर्मल तरीके से जो से होता है रोपनी उसी हिसाब से रोपाई हुआ लाइन सोइंग के आधार पर और बारिश के वजह से इस बार अलग से पानी नहीं देना पड़ा बोरिंग के द्वारा जो बारिश हुआ समय समय बारिश होते गया और उसी बारिश के पानी की वजह से यहाँ पे जो धान का उपज काला धान का हुआ चकहाऊ वैरायटी थी और यहाँ पे 2.5 एकड़ में किसान पाठशाला चलाया गया था 25 किसानों के बीच में और सभी किसान अभी जितने लोग थे उनको सभी लोगों का ये भी है कि हम लोगों को भी इसका बीज उपलब्ध कराई जाए और आत्मा के द्वारा इस साल भी उपलब्ध कराया जाएगा थोड़े थोड़े मात्रा में अभी बीज से बीज बनाने के लिए और जो किसान का उपज हुआ है कोशिश करके इन लोगों को दूसरे जिला से टैग करके या कहीं और जहां भी बाहर भेजना होगा हम लोग कोशिश करके मार्केटिंग दिलवाएंगे। और अभी तो यहां पे कुछ कम हुआ है बारिश के वजह से कुछ फूल उल जैसे फूल पर चढ़ा बारिश हो गया तो उपज घटा है लगभग 20 से 25 मन के करीब गया है और इसे नॉर्मल 30 से 35 मन है और ये 135 से 40 दिन की वैरायटी है जो यहाँ लोग हाइब्रिड या और कोई धान उपज करता है उतना ही दिन में ये धान तैयार हो जाता है। ऐसे इसमें उपज कम है लेकिन इसका मार्केट वैल्यू बहुत अधिक है। इसका मार्केट में धान का कीमत 60 से 80 रुपये केजी धान बिक जाता है और चावल का भी रेट है 200 से 300 रुपये केजी इसका आसानी से बिक जाता है। और अभी जितने भी किसान हैं हमारे किसान भाई हैं किसान पाठशाला के माध्यम से सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया बताया गया कि जो आप परंपरागत तरीके से जो भी आप पहले से खेती करते चले आ रहे हैं रेट उपज हो जाने के बाद में सही रेट नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा उसमें इनपुट कॉस्ट लग रहा है फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और इसमें कम लागत में अगर उसके अपेक्षा देखा जाए तो खर्चा भी कम है फर्टिलाइज़र एक भी नहीं देना है फर्टिलाइज़र और बगैर फर्टिलाइज़र के रासायनिक खाद देना ही नहीं है इसमें ये अपने आप 5.5 फीट इसका हाइट हो जाता है और ये जनरल कोई भी नॉर्मल खेत में जो पानी लगने वाला ना हो अप डाउन खेत हो मीडियम लैंड उसमें आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और इसमें इससे किसान की आय तो दोगुनी नहीं इससे आपको 3 गुनी 4 गुनी हो सकती है अगर सही तरीका से लोग लगा दे और खेती करे इसका तो ये अच्छा है किसान के लिए किसान के हित के लिए परिवार के लिए और आर्थिक स्थिति इससे सुधर जाएगी।